राधे कृष्ण दोस्तों, अच्छों के साथ हमेशा बुरा और बुरों के साथ हमेशा अच्छा। जी हाँ, बिफोर वॉचिंग वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलते आगे, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान लिखते हैं, क्या ये आपको पता है? अच्छा, तो ये सब कर्म के द्वारा किया जाता है। हम हमेशा, हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हमारे साथ अगर कुछ भी बुरी चीज़ होती है तो हम हमेशा अक्सर हमारे भगवान को कोसते रहते हैं, क्योंकि या मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा क्यों हुआ, ये सब कुछ करने लगते हैं। या फिर हम अपने परिजनों को, अपने माँ बाप को कोसने लगते हैं, या फिर हम क्रोधित हो जाते हैं, या तो आप अपना क्रोध उनके ऊपर निछावर कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कई बार तो एक ऐसे लोग होते हैं जो तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो आइए जानते हैं गीता में सबसे पहले क्रोध के बारे में श्री योगेश्वर कृष्ण जी क्या कहते हैं। अब मैं आपको संपूर्ण गीता ज्ञान नहीं दूंगा, आपको सिर्फ मैं श्री कृष्ण योगेश्वर जी क्रोध के बारे में क्या कहते हैं यही बताऊँगा। श्री योगेश्वर कृष्ण जी क्रोध को नरक का दरवाज़ा बताते हैं। अब आप समझ जाइए कि क्रोध कितना बुरा है, जो वो अपने नरक का दरवाज़ा सम्मानित करके बताते हैं। अब हम क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि अक्सर हमारे साथ बुरा होता है, यही एक वजह हो सकती है। क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, यही एक वजह हो सकती है। इसलिए जबकि आप तो एक भले सज्जन पुरुष हो, आप किसी की बुराई कभी नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, तो आजकल के वातावरण में भी बुराइयों का इस प्रकार राज फैला हुआ है कि बुराई का तांडव मच दिया है। तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है, वो है आपके कर्म। वो चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के, आपने थोड़ी सी भी बुराई अगर आपने भूतकाल में की होगी या उसका असर आज आपको अपने वर्तमान में ज़रूर देखने को मिलता है। अब वातावरण में भी सब बुरा ही बुरा अगर हो रहा है तो वो उनके पिछले कर्मों की वजह से ही हो रहा है। एक वर्तमान की छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर आप में से किसी ने विपासना मेडिटेशन के लिए एक कोर्स किया होगा, वो चाहे 10 दिन का हो या फिर वो चाहे 21 दिन का, तो मुझे नहीं पता आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी या नहीं। वहाँ पे रूल्स होते हैं, उस रूल्स में एक छोटी सी बात लिखी होती है। अगर आप वहाँ 10 दिन के लिए रुके हैं या फिर 21 दिन के लिए रुके हैं, तो वहाँ पे ध्यान से सुनिए, वहाँ पे चींटी को भी मारने से आपको एक हत्यारा बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आपके कर्म किस तरीके से विस्तारित हो चुके हैं। इसलिए वर्तमान में अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर भरोसा करें, दूसरों की सहायता करो, अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखो, फिर यही आपका वर्तमान, आपका भविष्य बन के आएगा। और बुरे कर्मों का फल बुरा या अच्छे कर्मों का फल अच्छा, ये कलयुग है, यहाँ बुराई का तांडव होने वाला है। इसलिए अपने वर्तमान के कर्मों को अच्छा रखें, मदद करें और सत्य के साथ खड़े रहें। बाकी सब कुछ श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी के ऊपर छोड़ दीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।